रेवीदगंज पुलिस ने हत्या के मामले में विचाराधीन आरोपी को पकड़ा है। पकड़ाया बदमाश फरियादी पक्ष के लोगों को गवाही न देने के लिए लंबे समय से डरा धमका रहा था। संयुक्तागंज पुलिस ने हत्या आए बदमाश का नाम आशु उर्फ आशीष है। बदमाश ने क्षेत्र में ही रहने वाले युवक की हत्या की थी। जमानत पर छूटने के बाद आशीष फरियादी पक्ष के लोगों को डरा धमका रहा था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुराने हत्या के प्रकरण में आरोपी जो था आशु उर्फ आशी नाम का, ये पहले गिरफ्तार हो चुका था और अभी एक प्रकरण और दर्ज हुआ था, जिसमें वो उसके रहने वाले पड़ोस में रहने वाले फरियादी और उसके बच्चों को परेशान कर रहा था। उनके घर में उसके मारपीट करने की थी, वो दरवाज़ा भी तोड़ दिया था। उस पर प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज होने के बाद से वो फरार था, छुप के रहता था, अंधेरे में रहता था और जहाँ मौका मिलता था उन लोगों को आके डराता था, धमकाता था। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी को छत के पीछे जब अंधेरा था, वहाँ छुपा हुआ था, वहाँ से उसको जाके गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी का नाम आशु उर्फ आशीष। भूत का तो ऐसा था कि जब इसने जब मर्डर किया था, तब कोई एक ये लोग शराब पी रहे थे, बैठ के 26 जनवरी की रात की बात थी, बैठ के शराब पी रहे थे। शराब पीते में एक व्यक्ति आता दिखा तो किसी ने बोला कि भूत आया, तो उसने उसको पत्थर मारा था। इनने भी उनको मारपीट करी थी, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर भूत की ये कहानी आई थी, हम लोग उसको भूत बोलने लगे थे।